नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, अगर आप कोई भी आपके ब्लॉग का पेज जो है एक्सक्लूड करना चाहते हो गूगल एडसेंस से, और कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए कोई आपके दोस्त हैं या कोई आपके स्टूडेंट हैं या आपको फॉलो करने वाले लोग लगातार किसी पर्टिकुलर एक पेज को पढ़ रहे हों दोस्तों, तो ऐसे में गूगल करता क्या है, जब उसके एल्गोरिथम को ऐसा लगता है कि ये बार बार मल्टीपल टाइम इंटेंशनली डेलिबरेटली जो है इसको पढ़ा जा रहा है, तो वो उस पर लिमिट लगा देता है दोस्तों। तो लिमिट के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि उस लिमिट से बाहर आपको कैसे आना है। हाल फिलहाल हम ये देखेंगे दोस्तों, मान लीजिए जैसे मैं आपको लेकर चलता हूँ ये हमारे ब्लॉग पर, और कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉग आर्टिकल है दोस्तों जो कि बार बार देखा जा रहा है। ऐसे में होता क्या है कि जो गूगल की एल्गोरिथम होती है, जब क्रॉलिंग होती है तो वो बार बार उनको चेक करते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आपको कोई ब्लॉग है जिसको हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप उसको जो है वहाँ से हटाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर ऐड और ब्रेक दिखने नहीं चाहिए। मान लीजिए देखिए, जैसे ये ऐड आ रहा है, मैंने अभी इसको क्लोज कर दिया है और अब ये जो पेज खुला है यहाँ पर आप मान लें कि आपको ऐड हटाने हैं दोस्तों, तो अब हमें करना क्या होगा ऐड हटाने के लिए, ये देखिए जैसे कि ये यहाँ पर ऐड आ रहे हैं दोस्तों, और ये ऐड हटाने के लिए अब हम जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें यूआरएल की ज़रूरत पड़ती है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ये जो एडिट का ऑप्शन है, हमें एड्स के ऑप्शन पर जाना है। एडसेंस आने के बाद एड्स पर हम जाएंगे क्योंकि हमने ऑटो ऐड इनेबल कर रखा है। मैं यहाँ से एडिट बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों प्रीव्यू आ जाएगा, ये आप प्रीव्यू देख रहे हैं, ये यहाँ पर बताता है कि मोबाइल पर और आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर किस तरीके से ऐड शो होते हैं, कितने ऐड एक पेज के ऊपर शो होते हैं। तो हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन एक्सक्लूडेड पेजेस का आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए, आपको ये जो मैंने लाइन से इतने सारे यहाँ पर हटा रखे हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स इनको जो है पढ़ते हैं, और पढ़ने के कारण दोस्तों होता क्या है कि बार बार उनका यहाँ पर विजिट होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी गुजरता है, तो ये इंटेंशनली गूगल को लगता है कि मैं ऐसा करा रहा हूँ, बल्कि ऐसा है नहीं। ऐड एक्सक्लूजन पर आना है, यहाँ क्लिक करना है दोस्तों, और ये जो यूआरएल देख रहे हैं आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए इस यूआरएल को जो हम यहाँ से उठा कर लाए हैं। और यहाँ से हमें करना क्या है दोस्तों, ये www और https हटा देना है क्योंकि ये उसको ऑटोमेटिकली ले लेता है। यहाँ से शुरू करना है technologywithvivek.com, ये साल महीना और ये हमारा यूआरएल लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है दिस पेज ओनली, हम इस पेज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं दोस्तों। आप सेक्शन भी कर सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, और मैंने यहाँ पर देखिए ऐड बटन पर क्लिक कर दिया है दोस्तों, ये ऐड हो चुका है और देखिए ये पीछे रिफ्रेश हो गया है, अपडेट हो गया है। मैं इसको अप्लाई टू साइट कर दूंगा तो अभी जो 38 पेजेस दिख रहे थे बाहर, अब आपको यहाँ पर 39 पेजेस दिखेंगे और अब आपको जो है इस वाले पेज पर ऐड नहीं दिखेगा, मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा दोस्तों। वो जो सेक्शन का ऑप्शन था मैं दिखा देता हूँ, मान लीजिए ये आप टैब देख रहे हैं दोस्तों, जो अलग अलग टैब बने होते हैं, मैं मान लीजिए C++ के टैब पर आ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस लेबल का कोई भी मुझे यहाँ पर ऐड ना दिखे, या मैं पाइथन पर आ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ कोई भी ऐड ना दिखे इस पूरे सेक्शन में दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक्सक्लूड कर रखा है, तो हम इसको जैसे मान लीजिए यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद एडिट बटन पर आते हैं, एडिट बटन पर आने के बाद वही हमें एक्सक्लूड के पेज पर चलना होता है, और एक्सक्लूड के पेज पर चलने के बाद इस बार जो एरिया की बात हो रही थी, ये देखिए ऑल पेजेस अंडर दिस सेक्शन, जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हटाने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये जो यूआरएल हम लेकर आए हैं, अब इससे संबंधित ये सारे इस सेक्शन पर जो है कोई भी ऐड नहीं आएगा। मैं आपको अगर आप देखेंगे तो मेरे ये जो नीचे हैं ये काफ़ी सारे मैंने हटा रखे हैं दोस्तों, ये सेक्शंस के ही अकॉर्डिंग मैंने इनको जो हटा रखे हैं, और यहाँ पर उनके द्वारा ऐड नहीं दिया जाता है। गूगल एडसेंस इतने पेजेस को एक्सक्लूड कर देता है जिनको आप यहाँ पर देते हैं, इसके बाद आप आसानी से यहाँ पर जो है अप्लाई टू साइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है, अपनी वेबसाइट पर अगर आप देख रहे हैं कि लीगल नहीं है कोई भी ट्रैफिक या कोई भी आपका
आपके दोस्त हो सकते हैं या कुछ लोग हो सकते हैं जो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर उन पेजेस को जो है यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं और भी गूगल एडसेंस पे इसी तरीके की वीडियो जो है आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।